देखिए कितने सारे बॉटल हैं जो मैंने जमा किए हैं, और इन बॉटल्स में मैंने और भी सामान रखे हैं। तो ये है चाय के बॉटल, ये प्लास्टिक के जार है, और ये कौन सी चाहिए, ये है महाराष्ट्र स्पेशल, महाराष्ट्र चाह स्पेशल। ये मुझे डीमार्ट में मुझे बेस्ट ऑफर मिला है। देखो जब भी मैं डीमार्ट में जाता हूँ तो मैं डायरेक्टली मैं चीज़ें अपने कार्ट में नहीं रखता हूँ, मैं पहले उसको कैलकुलेट करता हूँ ऑफर में कैसी है, और पर किलो के हिसाब से मैं उसका रेट भी देखता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि कौन सी चीज़ वाकई सस्ती है या इस पे ऑफर है और क्वालिटी में कैसी है। तो ये जो चाय है ये मैंने काफ़ी यूज़ की अभी, और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी टेस्ट में बाकी चाय के मुकाबले, और कॉस्ट भी इसका सबसे कम है। और ये खाली ये मतलब जार के साथ भी आ जाते हैं, प्लास्टिक का जार है जिसको आप बाकी के सामान रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे डीमार्ट में जो मुझे ऑफ़र मिला है, ये जो 1+1 ऑफ़र मिला है मुझे, पहले मैं आपको इसका MRP दिखाता हूँ। MRP इसके 375 रुपीज़ फॉर 500 ग्राम, मतलब ये आधा किलो का जार है, और आधा किलो के चाय के लिए इसका MRP है 375 रुपीज़, और डीमार्ट में जो ऑफ़र है जो मुझे मिला है वो 275 रुपीज़ में दो दो जार, मतलब 500 ml के दो बॉटल, मतलब 1 किलो 1 किलो के चाय 275 रुपीज़ में मिली है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑफर है, और मैंने यूज़ भी किया, हम लोग के घर में अभी ज़्यादातर ये यूज़ होता है, इसका टेस्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये मैंने घर में यूज़ किया, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगा। अभी ये सील्ड है तो अभी मैं इसको बाद में यूज़ करने वाला हूँ। महाराष्ट्र चाय, और ये जो ये कंपनी पुणे की कंपनी है, और ये 1933 से कंपनी है, ये तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये देखो इसका डिटेल, ये महाराष्ट्र टी सप्लाई कंपनी पुणे से, और डीमार्ट में मुझे काफ़ी अच्छा ऑफर मिला है, और 1+1 ऑफर है। तो मैंने तो एक ही पीस लिया है, मैंने तो एक पीस का ये हाफ चार्ज करते हैं, तो ये 137.5 जो कॉस्ट है इसका हाफ चार्जेस लिया है, क्योंकि मैंने 1+1 एक पे एक ऑफर में मैंने दो पीसेस नहीं लिए, मैंने एक ही लिया, तो इन्होंने हाफ चार्ज किया 137.5 रुपीज़। तो आप भी अगर डीमार्ट में जाएंगे तो ये चाय ज़रूर देखिएगा, ये हम लोग को मेरे फैमिली को पूरी अच्छी लगी है चाय, और काफ़ी अच्छे कॉस्ट में, मतलब इससे बाकी के चाय सब महंगे कॉस्ट है, और ये एकदम प्रीमियम ब्रांड नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर है इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी अच्छी है। तो ये रहा वीडियो आज का, ये है महाराष्ट्र चाह स्पेशल, महाराष्ट्र चाह स्पेशल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।